एवरीबडी hey मैं हूँ तरुण कपूर वेलकम बैक टू एजो इम्प्रिंट्स इन द इन द लास्ट पार्ट वी हैव डिस्कस्ड फाइव इंपॉर्टेंट केसेस ऑन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अब हम तीन जो अदर केसेस हैं उनको डिस्कस करेंगे यू कैन ऑल्सो फॉलो माई अदर प्लेलिस्ट ऑन इंडियन पॉलिटी जो इसके अंदर सभी लक्ष्मीकांत प्लस अदर एलिवेंट सोर्सेज को इंक्लूड करा गया है देन लीगल करंट अफेयर्स एक्सक्लूसिवली फॉर द एल एल बी एंटरेंसेज दैन करंट अफेयर्स फॉर ऑल द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड द एल एल बी एंटरेंसेज टॉपिक वाइज इसमें हम सभी के सभी करंट अफेयर्स कवर कराएंगे देन उसके बाद जो डी ऊल एल बी की जो प्रीवियस ईयर पॉलिटी एम सी क्यू सीरीज़ है उसको विद एक्सप्लेन एंड अदर पॉसिबल क्वेश्चन हमने इसमें कवर कराए हैं देन आप हमारे मोक टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्ट्रैक्ट टॉट और आई पी सी के मॉक टेस्ट कर सकते हैं आपके एग्जाम के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं और बड़े ही एनालिसिस के बाद इन्हें फ्रेम करा गया है यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक पेज एज प्रिंट्स बाय तरुण कपूर एंड ऑन इंस्टाग्राम एजो एम प्रिंट्स एंड यू कैन आस्क यूर डाउट्स इन द टेलीग्राम ग्रुप दोज हुर नॉट एबल टू जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप कैन जॉइन द व्हाट्सएप ग्रुप and uh, at the right edge imprint is a twitter handle account you can also follow us here and the links are given in the description and comment section now we will start our first case so our first case today is kalil versus carbolic smoke bowl company this case is particularly general offer ke upar hai. और इस केस में क्या हुआ था कि जो कार्बोलिक स्मोक कंपनी है एक एडवर्टीजमेंट निकालती है जिसमें कहती हैं कि हम हमारी एक बेसिकली दवाई है जिसको जो भी वो इस दवाई को लेगा उसको इन्फ्लुंजा नहीं होगा ठीक है तो मगर जो ये लेडी हैं कार्ल वो इस दवाई को लेती हैं और उन्हें उस दवाई को खाते खाते ही इन्फ्लुंजा हो जाता है और साथ साथ में जो वो एडवर्टीज़मेंट होती है उसमें वो कहते हैं कि जिस भी पर्सन को इन्फ्लुंजा होगा हमारी दवाई खाने के बावजूद भी हम उसको सौ पाउंड रुपीज़ रिवॉर्ड देंगे कंपनसेशन देंगे और उसके लिए उस चीज़ को हम बेसिकली लागू कराने के लिए हम एक हज़ार रुपये जो पाउंड है वो अलायंस बैंक के पास एज़ अ बेसिकली डिपोज़िट जमा करा रहे हैं हमारी सिंसेरिटी को शो करने के लिए हमारी सिंसैरिटी मैटर को दिखाने के लिए ठीक है तो हम इस चीज़ के ऊपर सीरियस हैं तो मगर जो कारलिद होती हैं वो बीमार हो जाती हैं और वो सी कर देती हैं कंपनी के ख़िलाफ़ कि मुझे आपकी दवाई खाते खाते ही इन्फ्लुजा हो गया है तो जो कार्बोलिक स्मोक वो कंपनी है डिफेंडेंट है इस केस में और वो पांच दलीलें रखती है कोर्ट के सामने वो हम पांचों दलीलों को देखेंगे पहली जो चीज़ जो कंटेंशन कंपनी रखती है वो कंपनी कहती है कि जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन थी ऑफर की वो बहुत ही वेग कंडीशंस थी हमारा ये कोई डेफिनेट ऑफर नहीं था और ना ही इसमें कुछ हमने ऐसा मेंशन करा था कि आपको कितने समय तक नहीं होगा इन्फ्लुन्जा तो ये हमारा बहुत ही वेग ऑफर था इसके लिए आप हमें बाउंड नहीं कर सकते हैं मगर कोर्ट क्या कहती है कि ऑफ़र बहुत वेग नहीं था बहुत ही डेफ़िनेट ऑफर था और जो आप ये कह रहे हैं टाइम फ्रेम की बात उनको तो उस दवाई के खाते खाते इन्फ्लुंजा हुआ है तो हेयर यू आर रॉन्ग ठीक है कोर्ट ने उनकी इस कंटेंशन को इस दलील को कैंसिल कर दिया फिर सेकेंड जो दलील उन्होंने लगाई उन्होंने कहा कि हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि ये लीगल रिलेशन क्रिएट करना लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना ये बहुत ही एक पफ स्टेटमेंट था हमने सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ठीक है और इस तरीके से एक्ट ये बनाया गया था मगर इसमें भी कोर्ट ने यह कहा कि द यू कैन नॉट क्रिएट सच काइंड ऑफ भई एडवर्टीजमेंट्स की जहाँ पर बेसिकली इतना बड़ा रिस्क हो लोगों की लाइफ के ऊपर एंड ये आ, आपका कोई ये, आ, आप ये जो कह रहे हैं इन द अलायंस बैंक अकाउंट तो दन थाउजेंड रुपीज शोज योर सिंसिटी टू वार्ड योर प्रॉमिस टू द कस्टमर्स यू आर एलिजिबल तो ये वाली कॉन्टेंशन भी कैंसिल uh, कर दी देन तीसरी कॉन्टेंशन उन्होंने लगाई कि हमने किसी को पर्टिकुलरली ऑफर नहीं करा है ठीक है तो कोर्ट ने कहा कि देखिए जनरल ऑफर नाम की भी कोई चीज़ होती है आप जनरल ऑफर कर सकते हैं जिसमें जो भी पर्सन उस ऑफ़र को आपकी जो जो बेसिकली आपने जो कंडीशन रखी है उसको फॉलो करेगा और वो उस कंडी उस एडवर्टीजमेंट के फेथ के अंदर देन उसके साथ आपका बेसिकली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ठीक है देन चौथी चीज़ उन्होंने रखी कि भाई इन्होंने कॉम्युनिकेशन नहीं करी एक्सेप्टेंस की हमें ठीक है अब ये देखिए भाने लगा रहे थे बेसिकली कंपनी ने कहा कि इन्होंने वो तो ले ली दवाई ले ली मगर इन्होंने कम्युनिकेट तो नहीं करा कि हम आपके साथ ऑब्लिगेशन में हैं, हमने आपकी दवाई खरीद ली है मगर उन्होंने कहा कि सेक्शन एट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है कि मेयर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर ठीक है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस कर दी जो कंडीशंस आपने रखी थी उसको उन्होंने परफॉर्म कर दिया उन्होंने खरीद के खाली खाते खाते वक्त उनको हो गया तो उनका वो क्या हो गया बेसिकली एक्सेप्टेंस हो गया ऑफर का तो हेयर यू कैन नॉट से कि उन्होंने आपको कॉम्युनिकेट नहीं करा तो जहाँ पर उन्होंने आपकी कंडीशन परफॉर्म कर दी सेक्शन एट के अंदर आप ऑटोमेटिकली लाइबल हो जाओगे ठीक है और फिफ्थ जो कंटेंशन रखी कोर्ट के आगे उन्होंने कहा कि ये जो ट्रांजेक्शन है इसमें हमारा कोई कंसिड्रेशन नहीं है देर वॉज नो कंसिडरेशन फॉर द प्रोमिस ठीक है हमारा कोई कंसिड्रेशन नहीं है हमने प्रोमिस तो इनको कर दिया हमारा क्या कंसिडरेशन है कंपनी ने कहा सॉरी कोर्ट ने कहा कि कंसिडरेशन क्यों नहीं है आपका कंसिड्रेशन है ये जो एडवर्टीजमेंट आपने दी है ये अपनी कंपनी uh, की सेल को इंक्रीज करने के लिए दिया है सो इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ कंसिडरेशन फॉर द प्रोमिस ठीक है एंड द दैट कंसिडरेशन इज़ अ एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन टेन तो हेयर यू आर एलिजिबल तो सभी की सभी जो दलीलें थी वो कंपनी की कैंसिल कर दी गई और उनको कंपनसेशन दिया गया कार्लिल स्मोक पोल कंपनी को और उसमें यही है कि जनरल ऑफर से भी कॉन्ट्रैक्ट होता है ठीक है और जेनरल ऑफर में जरूरी नहीं है कि कॉम्युनिकेशन कॉम्युनिकेशन सेक्शन एट के अंदर उसकी परफॉर्मेंस करके भी करी जा सकती है ठीक है जब आपको उसकी नॉलेज हो ऑफर की नॉलेज होनी भी जरूरी होती है तो ऑफर की नॉलेज उन्हें न्यूज़पेपर से मिली सो दिस इज अ केस ऑफ कार्ल्स कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी नेक्स्ट देखिए इसमें यही है कि जनरल ऑफर एड्रेस टू ऑल द हैड रिपन द कॉन्ट्रैक्ट इन द प्लेंटिव बाय हर एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड द कंडीशन एंड दस एक्सेप्टिंग द ऑफर ठीक है देन उसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट केस मोहरी बीबी वर्सेज uh, दामोदर घोष केस ठीक है तो दिस हेयर डिफेंडेंट कौन होता है दामोदर घोष होता है दामोदर घोष इज़ अ माइनर चाइल्ड जो माइनर होता है मगर वो मनी लेंडर को अपने आप को मेजर बताकर उनसे पैसे उधार ले लेता है और अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख देता है ठीक है और मॉर्गेज रख देता है और जो ब्रह्मोदत्त होता है जो मनी लेंडर होता है उसका एजेंट होता है केदारनाथ उसके थ्रू वो उससे पैसे उधार लेता है मगर मोहरी बीबी केदारनाथ को बता देती है कि इसका जो चाइल्ड है वो माइनर है और इसके साथ किसी भी एग्रीमेंट के लिए मैं अलाइबल नहीं होंगी अदर विशी मतलब कि अपने उसने अपनी साइड क्लियर कर दी है उसने बताकर मगर फिर भी वो उसे पैसे दे देते हैं और बाद में जो दामोदर खुश होता है वो मना कर देता है कि आई वॉज़ अ माइनर तो जो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है तो आप मुझे कंपेल नहीं कर सकते कि मैं आपके पैसे पे करूँ So, जो ये बेसिकली जो केस फाइल हो जाता है ठीक है और उसके अंदर कोर्ट यही कहती है कि माइनर के साथ जो जज जो, जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो वॉइड इनिशियो मतलब कि वॉयड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग होते हैं और आप माइनर को कंपेल नहीं कर सकते हैं पैसे देने के लिए ठीक है और ये जो सभी की सभी चीज़ें हैं ये हमने इसलिए फ्रेम करी हैं बिकॉज़ हमने माइनर्स को अनस्क्रपलेस पर्सन से बचाना है ठीक है तो हेयर वी कैन नॉट की कंपेल द माइनर टू तो पे योर मनी बैक ठीक है सो दिस इज़ द केस ऑफ मोहरी बीबी वर्सेज और इस केस के अंदर ही पहला केस था जिसमें माइनर के एग्रीमेंट्स के बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन हुई थी देन हमारा नेक्स्ट केस है लास्ट केस है चिनिया वर्सेज रामया केस हेयर इस केस में क्या होता है एक मदर होती है और एक डॉटर होती है मदर एक बेसिकली एक भाई एक प्रॉपर्टी देती हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है बेटी को और तुमने क्या करना है मेरी डेथ के बाद मेरे भाई को कुछ मतलब कि पैसे देने हैं कि वो ज, र, बेसिकली अपना लाइवलीहुड कंटिन्यू कर सके ठीक है मगर उसकी माँ की डेथ हो जाती है वो लड़की अपने माँ के भाई को मतलब अपने मामा को पैसे नहीं देती है देन उसके जो मामा होते हैं वो उसको ऊपर केस कर देते हैं तो इधर देखिए बेसिकली कंसिड्रेशन की बात है कॉन्सिड्रेशन के अंदर क्या होता है कि कॉन्सिड्रेशन हमेशा बेसिकली uh, uh, हमारा प्रॉमिस के अंदर कॉन्सिड्रेशन होता ही होता है या मैं आपको सिंपल शब्दों में कहूँ कि जो प्रॉमिस इन्फोर्सिबल तभी होता है जब उसमें कंसिड्रेशन होता है बेसिकली ठीक है सो जब इसमें प्रॉमिस इज इन्फोर्सिबल इफ दर इज़ ए कंसिड्रेशन फॉर इट और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कंसिड्रेशन प्रोमिसी ही दे रहा है या प्रोमिसी की तरफ से ही आ रहा है या किसी और पर्सन की तरफ से आ रहा है ठीक है तो मगर इंग्लिश लो क्या कहता है कि जो कंसिडरेशन है वो प्रोमिसी और प्रोमिसर की तरफ से ही आएगा कोई थर्ड पर्सन कंसिडरेशन नहीं दे सकता द थर्ड पर्सन कैनॉट फर्निश कंसिडरेशन ठीक ठीक है, है 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 मगर uh, consideration क्या होता कि कि आप मेरे लिए लिए कुछ कुछ कर रहे हैं और मैं करे, आपके लिए कुछ करूं, तो English यही कहता है कि privity of consideration. वहां पर English में privity of consideration की बात है ठीक है जैसे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि बोथ द कॉन्ट्रैक्ट कैन सी ईच अदर नो थर्ड पार्टी कैन सी यू ठीक है कोई थर्ड पार्टी सी नहीं कर सकती है सिमिलरली प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन इंग्लिश लॉ में फॉलो होता है मगर इंडियन लॉ के अंदर डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव कंसिडरेशन की बात हुई है उन्होंने इस इंडियन लॉ में क्या होता है कि कंसिडरेशन प्रोमिस भी दे सकता है और कोई थर्ड पर्सन भी दे सकता है प्रोमिस के बिहाफ के ऊपर ठीक है तो यही इस केस में हुआ कि उसकी मदर ने अपनी बेटी को अपने बच्चे अपने भाई के बिहाफ के ऊपर अपनी प्रॉपर्टी दी थी ठीक है अपने भाई के भाव के ऊपर कि अपने भाई उतार उसके भाई को वो उसकी डेथ के बाद उसको बेसिकली पैसे दे ठीक है एक एनविटी पे करनी थी पूरे साल में कुछ पेमेंट करनी थी छः सौ तिरपन रुपीज़ की जो कि उस लड़की ने पे नहीं करी तो उसके मामा केस कर देते हैं उसके ऊपर और वो लड़की कहती है कि भाई इन्होंने तो मुझे कोई कंसिड्रेशन नहीं दिया ठीक है द प्लेंटिव नेमसेल्स हैड पेड नो कंसिडरेशन ठीक है और देअर इनको मेरे ऊपर राइट ऑफ एक्शन नहीं है ये मुझे किसी केस नहीं कर सकते हैं मगर कोर्ट ने यही कहा कि जो कंसिड्रेशन है वो आपकी मदर ने दे दिया है और वो इनफ कंसिड्रेशन है इस प्रामिस को पूरा करने के लिए तो आपको इस प्रामिस को पूरा करना पड़ेगा बिकॉज जो हमारा बेसिकली सेक्शन टू डी है उसमें लिखा हुआ है कि कंसिडरेशन गिवन बाय द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हेयर ठीक है तो वो एनी अदर पर्सन का मतलब है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव कंसिडरेशन की बात हो रही है ठीक है तो हेयर जो चिनाया है वो प्लेंटिफ है और चिनाया मीन्स जो उनके मामा हो गए और रामाया मीन्स डिफेंडेंट ठीक है जो उसकी बेटी हो गई ठीक है उसकी मदर की तो ये कोर्ट यही कहती है कि प्लेंटिफ वो सीव तभी कर सकता है जब कंसिडरेशन डायरेक्टली मूव हो चाहे होली हो चाहे पार्टली हो ठीक है जो कि इस केस में प्रेजेंट है ठीक है समझ आया प्लेंटिफ मतलब कि द मामा तभी कर सकता है जब कंसिडरेशन मूव हुआ हो चाहे वो पूरा हुआ हो चाहे वो पार्टली हुआ हो मगर मूव हुआ हो चाहे वो उसकी तरफ से हुआ हो चाहे वो उसके बिहाव पर उसकी भैन ने करा हो ठीक है तो दिस इज द केस ऑफ चिनाया वर्सेज रमाया हेयर द डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव कंसिडरेशन इज डिस्कस्ड कि दर इज इट इज़ नॉट नेसेसरी कि द कंसिडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिसी इट कैन बी मूवड Uh, on uh, on behalf of the promisee by any other person this is the case of chinaya versus ramaya so uh, you can this is the end of eight important cases on in, uh, indian contract act and if you have i hope you or if you have any doubt you can ask in the comment section and uh, i would request you to please like share and subscribe my channel and do not forget to sub, uh, basically uh, hit the bell icon so as to get the notification automatically thank you so much